नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट एनी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तहत साउथ अंडमान एसपी श्रीमती निहारिका भट्ट जी आईपीएस, उनके सुपरविजन में श्रीमती योगिता शर्मा डेनिप्स एसडीपीओ साउथ अंडमान, उनके डायरेक्शन से एक ऑपरेशन की गई जहाँ पर 2.85 किलोग्राम गांजा और 15 ग्राम मेथामफेटामाइन सीज की गई। जिनको भी इसके तहत पकड़ा गया है उनको जो है अभी फिलहाल पुलिस ने हिरासत में रखी है। हम आपको बता दें जो पकड़े गए हैं उनमें से एक का नाम है कार्तिक, जिनको एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। और उसके साथ ही महेश नाम का एक और व्यक्ति है जो जंगली घाट का रहने वाला है और एक ट्रैवल एजेंसी चलाता है ट्रैवल विद अंडमान अपने घर से ही, और एक बीसीए ग्रेजुएट भी है जेएनआरएम कॉलेज से। इससे जुड़ी बहुत सारी जानकारी है जो हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एसपी साउथ अंडमान मिसेस निहारिका भट्ट जी देंगी। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हम जानते हैं कि किसी भी प्रकार की जो नशा है वो हमारे सेहत के लिए कितना नुकसान है। ख़ासकर ड्रग्स को लेकर हमारे अंडमान निकोबार में आए दिन कई सारे केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें जो युवा हैं वे इसमें बहुत ज़्यादा लिप्त पाए जा रहे हैं। कहते हैं ना कि किसी भी देश के विकास के लिए उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो होती है वहाँ की युवा, और अगर युवा ही ऐसी नशीली पदार्थों में अपना जीवन को व्यर्थ करेंगे तो फिर हमारा देश कैसे विकास की राह पर आगे जा पाएगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी भी है कि हम हमारे युवाओं को बेहतर से बेहतर तरीके से उनको समझाएं, उनकी ये जो नशे की चीज़ें हैं ये उनके स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है, ना सिर्फ उनके स्वास्थ्य के लिए बल्कि इससे जो है उनका पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन दोनों में भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। हम तो हमारे प्रशासन से ये भी गुजारिश करेंगे कि वे जो है समय समय पर अंडमान के युवाओं के लिए कुछ ऐसे काउंसलिंग प्रोग्राम्स चलाएं ताकि इस बच्चे जो है नशे की तरफ जाने के बजाय जो है इन चीज़ों में भी दिलचस्पी रखे। आज जो मामला हमारे सामने आ रहा है उसमें भी जो है दो युवा जुड़े हैं, कार्तिक और महेश नाम के। जो प्रेस रिलीज हुई है उसकी एक कॉपी भी हम आप लोगों को डिस्प्ले में दिखा रहे हैं। आप इसके बारे में पूरी और जानकारी चाहते हैं लिखित रूप में तो आप ये हमारे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो फिलहाल चलिए हम चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज आप लोगों को दिखाते हैं। अबरडीन पुलिस स्टेशन में एक एनडीपीएस की एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें दो अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया है। टोटल गांजे की रिकवरी 2.85 किलोग्राम हुई है और 15 ग्राम मेथएम्फेटामिन की बरामदगी करी गई है। इस क्रम में एफआईआर 21 मई 2024 को दर्ज करी गई थी। हमारे पास एक क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक ये लड़का है कार्तिक, 25 साल का, जो कि एक फार्मेसी में बुनियादाबाद में काम करता है और ये गांजा की डील करता है। क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन पे पुलिस ने रेड करी कार्तिक के घर पे जो मिडिल पॉइंट में है, जहां से 250 ग्राम गांजा और 15 ग्राम मेथएम्फेटामिन की बरामदगी करी। इसके बाद एफआईआर दर्ज करके जब पूछताछ करी गई तो इसमें पता चला कि कार्तिक ये नशे का काम अपने एक दोस्त महेश के साथ मिलकर करता है। इस इन्फॉर्मेशन पे हमें ये भी पता चला कि जो कार्तिक का मेडिकल स्टोर फार्मेसी में जो लॉकर है उसमें इन्होंने कुछ और मात्रा में गांजा भी रखा हुआ था। पुलिस टीम इस सूचना पे रेड करने के लिए गई जहां से हमें एक बैग में 2.6 केजी गांजे की और बरामदगी हुई। साथ ही में जो कार्तिक का साथी महेश था वो भी फार्मेसी से ये गांजा बरामद करने की कोशिश कर रहा था, लेने की कोशिश कर रहा था। तो सूचना मिलने पर हमने महेश को भी पकड़ा और इस क्रम में महेश को भी इस एफआईआर में अभियुक्त बनाया गया है। महेश पे 2022 में अबरडीन थाने में एक एनडीपीएस की एफआईआर पहले भी हो चुकी है जिसमें 900 ग्राम गांजे के साथ महेश को पकड़ा गया था। अभी इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ जारी है। ये पूरी कार्रवाई अबरडीन में इस समय इंचार्ज एसएचओ हैं इंस्पेक्टर मिथुन कर्टोनिया, इनके साथ एसडीपीओ साउथ अंडमान के चार्ज में योगिता शर्मा हैं, इनकी अगुवाई में पूरी कार्रवाई करी गई। और जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो अगर और कोई हमारी कोई इन्फॉर्मेशन प्रकाश में आती है तो आपके साथ शेयर किया जाएगा। साथ ही में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि साउथ अंडमान पुलिस
नशे की ये जो हमारे द्वीपों में एक प्रचलन चल रहा है इसको पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए बेजोड़ कोशिश कर रही है। आगे भी हमारा निवेदन है जनता से कि अगर किसी के पास कोई भी ऐसी सूचना आती है कि कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट नशे का प्रयोग कर रहा है या नशे का कारोबार कर रहा है, तो मेरा निवेदन रहेगा कि पुलिस को ये सूचना दी जाए ताकि हम इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकें। मैम, पूछताछ में इनका सोर्सेस पता चला? जी, ये मेनलैंड से लाते थे इतना भी हमें पता है, बट जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो हम इनके सोर्स तक और पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अगेन द सेम क्वेश्चन, हम हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात पूछते हैं कि मेनलैंड से लाते हैं तो देयर इज ओनली टू वेज, आइदर बाय शिप और बाय द फ्लाइट, राइट? तो क्या स्ट्रिकिंग चेकिंग में कुछ लूप होल्स है जो इन लोग ऐसे पार कर पाते हैं? देखिए, जो एयरपोर्ट से आती है उसकी चेकिंग CISF के पास है, तो हम CISF के साथ कांस्टेंट कोऑर्डिनेशन में है। एक एनकॉर्ड की मीटिंग भी होती है जिसमें मल्टीपल एजेंसी साथ में बैठ के कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स करती हैं, जिसमें कोस्ट गार्ड, CISF, पुलिस, नेवी सारे लोग साथ में मिलते हैं। तो कोशिश जारी है, मे भी कुछ लूप होल हैं तो उनको कवर अप करने की पूरी कोशिश करी जा रही है। ऑल्सो टेक्नोलॉजिकली अभी अगर कोई ऑर्गेनिक मटीरियल आ रहा है तो एक्सरे मशीन में डिटेक्ट करना नामुमकिन है। जी, तो ये एक्सरे मशीन्स में डिटेक्ट नहीं होता है, तो जिस वजह से ये चीज़ें द्वीपों में आ जाती हैं। अंडमान निकोबार पुलिस ने अभी कुछ नए स्निफर पपीज प्रोक्योर करे हैं जिनकी मेनलैंड में भी ट्रेनिंग हो रही है। तो जैसा आपने देखा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से काफ़ी बातों का खुलासा हुआ है कि किस तरीके से PS अबरडीन की पूरी टीम, जिन्होंने कड़ी मेहनत और चतुराई से इन दोनों व्यक्ति को पकड़ा जो यहाँ पे नशे का धंधा चला रहे थे, साथ ही डेनिप्स SDPO साउथ अंडमान मिसेज योगिता शर्मा और हमारे SP साउथ अंडमान मिसेज निहारिका भट्ट जी, इनकी अगुवाई में जो ये जो पूरा ऑपरेशन को किया गया था इसमें वे कामयाब भी रहे और फिलहाल दो लोगों को अरेस्ट किया गया है। हम सराहते हैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को जो आए दिन अखबार और समाचार के माध्यम से सुनते रहते हैं और आजकल YouTube में भी आप लोग देखते रहते हो कि किस तरीके से हमारी सतर्क पुलिस जो है लगातार इस कोशिश में है कि हमारे द्वीपों से जो है ड्रग्स को हमेशा के लिए ख़त्म करें। इनमें पुलिस अकेले कुछ नहीं कर सकती है, ये बहुत ज़रूरी है कि एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें भी अगर ऐसी कोई भी सूचना मिलती है जहाँ पे हमें लगता है कि ये व्यक्ति जो है ड्रग पेडलर है, ये नशे की चीज़ों की तस्करी करता है या उसे बेचता है, तो आप ये सूचना जो है अपने निकटतम पुलिस में ज़रूर दें कि हेल्पलाइन नंबर्स में भी आप कॉल करके ये जानकारियाँ दे सकते हैं, क्योंकि आज अगर आपने उसको नज़रअंदाज किया तो वो दिन भी दूर नहीं होगा जब वही नशा जो है एक दिन आपके दरवाजे पर भी खटखटा सकती है। ऐसी किसी भी ऑर्गेनाइज क्राइम की हमें जानकारी होती है तो हम उनकी सूचना हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को दें और ये भरोसा रखें कि हमारे अंडमान निकोबार की जो पुलिस है इसमें एक्टिवली काम करेगी और इसका रिजल्ट्स भी हमें दिखेगा जैसे आए दिन हम देखते रहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज एकदम नशा मुक्त रहे तो छोटी सी छोटी जानकारी भी आप अपने निकटतम पुलिस थाने में अवश्य दें। एक सलाह, ये मैं पहला इंसान नहीं हूँ जो ये सलाह दे रहा हूँ, आपके माता पिता, आपके दोस्त, आपके शुभचिंतक और हमारी पुलिस डिपार्टमेंट अक्सर जो है आप लोगों को ये सलाह देती रहती है कि नशे से दूर रहिए। नशे में कोई फ़ायदा नहीं है, चंद लम्हों का शायद मज़ा हो सकता है मगर उसके बाद आपके शारीरिक व मानसिक कष्टों का भी यही कारण बनता है। आपके पैसे, आपका समय जाता है, आपका जो लक्ष्य होता है उससे आप भटक जाते हो, तो इसमें फ़ायदा क्या है? वहीं अगर आप जो है इससे दूर हटकर अपनी हॉबीज़ की तरफ, अपने इंटरेस्ट की तरफ जाओगे तो उसमें आपका जो मानसिक और शारीरिक स्थिति है वो भी अच्छी रहेगी और आप जीवन में कुछ कर भी पाओगे। हम भी इसे अपनी ज़िम्मेदारी मानते हैं कि जब जब हमें मौका मिले हम भी ये बातें जो है अपने युवाओं के कानों तक ज़रूर पहुँचाएँ कि किसी भी किस्म की जो नशा होता है उससे अपने आप को दूर रखें और अपनी जो मंजिल है उसको पाने के लिए अपनी सोच को सकारात्मक करिए और आपके बड़े बुजुर्ग शुभचिंतक जो कहते हैं उन पर ज़रूर ध्यान दीजिए। इस बात का भी भरोसा रखिए कि आपको अगर किसी भी किस्म की सहायता की ज़रूरत है तो हमारी अंडमान पुलिस हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार है। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यमीन, न्यूज़ अंडमान 24/7, नमस्कार।